दोस्तों, आज हम जानेंगे क्रोध का कारण जरूरत या इच्छा। दोस्तों, क्रोध आज एक बीमारी बन चुकी है। जो इंसान सोचते हैं कि क्रोध हम करते नहीं है, आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, क्रोध के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, जिसमें मूलभूत कारण होते हैं हमारी जरूरत या इच्छा। तो बस आज इसी के बारे में गहराई से पढ़ेंगे कि क्या जरूरत के कारण क्रोध पैदा हो रहा है, या जरूरत पूरी हो चुकी है और इच्छाएं बची हैं उसके कारण क्रोध पैदा हो रहा है। दोस्तों, जब हमें बुखार होता है तो बुखार की दवाई हम डॉक्टर के पास लेने जाते हैं, तो डॉक्टर इन्फेक्शन कारण बताता है कि इस बुखार का कारण कोई इन्फेक्शन है या कोई नेगेटिविटी, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस है जो शरीर में घुस चुका है, तो डॉक्टर उसकी दवाई देते हैं। क्योंकि बुखार सिर्फ एक सिम्टम है दोस्तों, बुखार कोई रूट नहीं है। उसी तरह से दोस्तों, क्रोध भी एक सिम्टम है, उसकी रूट तो कोई इच्छा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। क्रोध एक आउटकम है, उसके बीज कहीं ना कहीं बोए जा चुके हैं। क्रोध को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रति जागरूक रहना चाहिए। अभी तक ना दोस्तों, हम दुनिया के प्रति जगे हुए हैं, हमें अपने प्रति जागना है, जागना है और ध्यान से बारीकी से देखना है कि इस गुस्से का कारण कोई इच्छा तो नहीं है जो पूरी नहीं हुई या अधूरी पड़ी है। तो दोस्तों, इस चीज का अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि शायद हम किसी इच्छा के पूरी ना होने की वजह से, वो इच्छा कुछ भी हो सकती है दोस्तों। आजकल बच्चों की पढ़ाई को लेकर इंसान टेंशन में है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उस गुस्से के पीछे। तो एक शायर ने क्या खूब लिखा है दोस्तों, कि अपनी नकी तलाश बड़ी चूक ये हुई, परसों की ये खराब खुदा तलाश में हमने। दोस्तों, जिस तरह ईश्वर को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर है, हमारे दिल में है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहां भी जो जिस धर्म को मानता है वहां पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह क्रोध की जड़ भी हमारे अपने भीतर छिपी हुई होती है। जरा अपने भीतर झांक कर देखिए, कहीं क्रोध इच्छा के बीज को लेकर दबा तो नहीं पड़ा। और जब फूटेगा ना दोस्तों, तो आपको लगेगा कि ये क्रोध मैं करना तो नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे आ गया। क्योंकि क्रोध आपको सिम्टम तो दिखा क्रोध, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं छिपी हुई इच्छा नहीं दिखाई दी। क्योंकि अक्सर दोस्तों हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर हम उन चीजों की तरफ देखें जो हमारे पास हैं, तो देखेंगे कि वो जो जरूरतें हैं वो तो ईश्वर ने पहले ही पूरी कर दी हैं, अब तो बस इच्छाएं बची हैं जो या तो पूरी नहीं हो रही या पूरी होने में समय ले रही है, जिससे हमें गुस्सा आ रहा है। हमारी इच्छा दोस्तों जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा उसका रिजल्ट होगा। अब तो इच्छाएं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। दोनों ही इच्छाएं जब कभी भी अधूरी रह जाती हैं या पूरी नहीं होती, तो गुस्से का बीज हमारे अंदर उस वक्त कहीं ना कहीं जन्म ले चुका होता है, और धीरे धीरे थोड़ा और फिर कभी बड़ा रूप लेकर हमारे अंदर से फटकर बाहर निकलता है। दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भगवान ने जरूरतें ना सबकी पूरी कर रखी है। धरती पर कोई विरला ही होगा जिसकी जरूरत पूरी ना हुई हो। अब दोस्तों, कर्म तो करने ही पड़ते हैं, पर जरूरत कर्मों का फल लेकर पूरी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्राणी जब जरूरत पूरी होने पर इच्छा पूरी करने में लग जाता है ना दोस्तों, बस तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब पैदा हो जाते हैं। जरूरत अगर भोजन की है तो भजन कैसे होगा दोस्तों, और जरूरत हमेशा आसान होती है। वजन ना दोस्तों सिर्फ इच्छाओं का होता है, जैसे भूख लगना स्वाभाविक है और भोजन उसकी जरूरत है, लेकिन भोजन 5 स्टार का ही हो ये इच्छा है दोस्तों। ऐसे ही शरीर ढकने के लिए कपड़े होना जरूरत है, लेकिन बहुमूल्य कपड़े ही हो ये इच्छा है। और अगर ये कामना रही और ये कामना कायम रही और अंततः पूरी ना हुई तो क्रोध आ जाएगा। जो चीज पूरी हो सके वो जरूरत है, और जो कभी पूरी ना हो वो इच्छा है दोस्तों। जरूरत तो हमेशा निर्दोष और सरल होती है, जरूरत में कोई जटिलता नहीं होती दोस्तों। आवश्यकता तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है, और दोस्तों इच्छा
इच्छा तो किसी अमीर की भी पूरी नहीं होती। दोस्तों, कुछ इच्छाएं पूरी होकर भी ना मन को संतोष सेटिस्फैक्शन नहीं देती, और कुछ इच्छाएं इच्छाओं के अधूरे रहने पर भी मलाल नहीं होता। दोस्तों, इन दो लाइनों में ना जीवन की बहुत गहराई छिपी हुई है अगर आप ध्यान से सोचें। मेरी इन दो लाइनों को ही नहीं, मेरी इस पूरी जो अब तक मैंने कहा है, अगर आप ध्यान से सुनेंगी और अपने जीवन में कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि क्या सच में जो हमें गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसके पीछे कोई ज़रूरत है या इच्छा, तो आपको ये सब पूरी वीडियो मेरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, इन दो लाइनों को जरा अपने जीवन में उतार कर देखो कि हाँ, शायद कुछ इच्छाएं पूरी होकर भी ना हमें संतोष नहीं मिलता, और कुछ इच्छाएं आज भी हमारी अधूरी पड़ी है फिर भी हमें मलाल नहीं है, जीवन चल रहा है। तो दोस्तों, इच्छाएं बेशक पैदा करो लेकिन अपनी सीमा रेखा के बाहर नहीं, वरना तो कई सारी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। उदाहरण के लिए बस यूं ही एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लोग दिखावे में महंगी कार, महंगे से महंगे बंगले, कोटी खरीद लेते हैं, लेकिन जब EMI सर चढ़कर बोलती है तो या तो वो गुस्से से जूझ रहे होते हैं, और कुछ लोग तो दोस्तों आप भी देखते हैं कि कुछ लोग इतना कर्ज में या EMI के बोझ में दब जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर देखिए तो बेसिक नीड, तो ज़रूरत थी वो भगवान पूरी कर चुके थे, अब तो बस इच्छाएँ थी जिन्होंने जीने नहीं दिया। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है दोस्तों, बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है, हम नहीं दुनिया में लेकिन एक दुनिया हम में है। मतलब दुनिया का बोझ अगर हम अपने सिर पर लेकर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने असल व्यक्तित्व को खोते चले जाते हैं। हमारे आनंद का जो एक ट्रैक ईश्वर ने बनाकर भेजा है ना, अगर हम उस पर चलें तो बस इच्छाओं के ट्रैक पर ही हम चलना शुरू कर देते हैं। अगर हम भगवान के बनाए हुए ट्रैक पर चलें तो हम आनंद में जीवन व्यतीत करेंगे, और धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि हाँ, ज़रूरतें हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब इच्छाएं दोस्तों पूरी करनी है तो समय भी लग सकता है, लेकिन उन इच्छाओं में दबकर अपने जीवन को व्यतीत ना करें। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि धीरे धीरे हम इच्छाओं के बोझ से फ्रस्ट्रेट होना, डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली ये फ्रस्ट्रेशन, ये डिप्रेशन ही गुस्से का कारण बन जाती है और हम गुस्से के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकली, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। तो दोस्तों, आखिर में सिर्फ यही कहूँगी कि सब चीज़ों को पाना है ये भी ज़रूरी नहीं है, और सब चीज़ों को अभी पाना है ये भी ज़रूरी नहीं है। थैंक यू दोस्तों।